हेलो। यस सर, हाँ आवाज आ रहा यस सर, क्लियर। अभिषेक, तुम्हारा असाइनमेंट फॉर सबमिट नहीं हुआ अभी तक? हाँ सर, थोड़ा सा हम कर देंगे, एक दो दिन का टाइम दे दीजिए, कर देंगे। और बोल रहा था कि मेरा जो है ना गूगल गूगल क्लासरूम का ड्राइव फुल हो चुका है, तो बहुत से बच्चे कंप्लेन किए थे कि यही हो रहा है, तो मैं उनको अलाउ किया हूँ कि वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक नहीं किए हैं मतलब कि असाइनमेंट को सबमिट, तो वो व्हाट्सएप कर देंगे हमें, मतलब कि ओके सर, जो भी है असाइनमेंट कंप्लीट करके व्हाट्सएप करेंगे। ठीक ओके सर, ओके। है। सर हम ठीक है, हम स्टार्ट फिर करें, स्टार्ट देखेंगे। करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं, मतलब कि चेक नहीं करना है तो फिर वेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो अमृतेश, तुम चेक करवा चुके थे? जो लोग चेक करवा चुके थे उनको क्लास करने का जरूरत नहीं है, अगर अपना कुछ वर्क है तो कर सकते हो। अगर कुछ देखना है या सीखना है या मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा तुमको लगेगा वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, तो फिर उस चीज पर्पज से तुम रह सकते हो। अदरवाइज तुम्हारा कुछ अपना काम है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम अभी से एक रोल नंबर स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट में है प्रायोरिटी वाइज रोल नंबर देता हूँ, यस सर, और उसके अभी से एक का स्टार्ट करता हूँ। ओके सर, मैं करता हूँ शेयर। होस्ट होस्ट कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ओके सर, मेरा हो गया है। एक मिनट, सर होस्ट करने का जरूरत नहीं है आपका, वहां पे सिक्योरिटी आ रहा होगा ना, हाँ सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए, वहां पे एक ऑप्शन होगा अलाउ पार्टिसिपेंट टू स्क्रीन शेयर, बस वो कहाँ कर पे? दीजिए, हो जाएगा। सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा सर वहां पे स्क्रीन शेयर के बगल में। स्क्रीन शेयर के बगल में तो चैट है, पॉज है, रिकॉर्डिंग है, रिएक्शन है, ऐप है। आईपैड से किए हैं क्या ज्वाइन? नहीं, डेस्कटॉप पे है, लैपटॉप पे है। आना चाहिए सर सिक्योरिटी। अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, इनवाइट है, म्यूट है। हाँ आप हमको कर दीजिए सर, होस्ट बना दीजिए, मैं कर हाँ लूंगा तो अरेंज। तुमको कर देता हूँ। हाँ कर दिया जैसे। सर विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ विजिबल है। सर इतना वर्क हम कर रखे हाँ हैं, होम ऑटोमेशन नहीं किए थे? सर किए थे, ये यहाँ ओपन पे है, ओपन मैम, यहाँ पे है। ओपन करो उसको। हाँ
अच्छा, अल्ट्रासोनिक सेंसर लिखते हो? सर अल्ट्रासोनिक सेंसर है, सर्वो मोटर है, उसके साथ टेम्परेचर सेंसर भी है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सर एलईडी किस कि पर्पस के लिए यूज किए थे? एलईडी क्या, जितना भी एलईडी यूज किए थे किस पर्पस के लिए सर यूज किए हो? हम पहले नहीं किए थे, बट उसके बाद ना ये जो सर्वो मोटर का है उसका स्पीड के अकॉर्डिंग हम वो किए थे एलईडी को, कि अगर इतना स्पीड में है तो लाइक हाँ, वो हम ट्राई कर रहे हैं थे सर करके एक बार। कंप्लीट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है? है सर। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो यूज किए हो इसका पर्पस क्या है? सर बेसिकली मोशन डिटेक्शन के लिए है, कि अगर कोई भी आते हैं तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर के वाया ये मेरा सर्वो मोटर खुल जाए, ये सर्वो मोटर तो मेरा, तुम जो अभी, हाँ जैसे ये मेरा अगर नियर है, अगर हम इसको दूर करते हैं, एक मिनट सर, हाँ ये देखिए अगर, स्टॉप सिमुलेशन करो ना, हाँ स्टॉप तो अगर सिमुलेशन। हम ये डिस्टेंस दूर करते हैं तो ये सर्वो मोटर से ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, मतलब इससे तुम अपना डोर ओपन क्लोज के हाँ लिए भी तुम बेसिकली, यूज हाँ कर सकते हो बेसिकली डोर ओपन के लिए, अगर कोई भी सेंसर के नजदीक आता इसके है तो ये डोर लिए। ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसका रेंज हम अच्छा, 100 सेंटीमीटर रखे हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ठीक है, आप लोग सभी ने लगभग इसी टाइप का किया था, लेकिन एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि ये डोर ओपन हो रहा है लेकिन कोई भी पर्सन आएगा तो डोर ओपन हो जाएगा, तो हम कैसे ऑथोराइज करेंगे कि ये, मतलब कि ये अपना घर के लिए, चाहे जो भी हम होम ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो वो जेन्युइन पर्सन है या मतलब कि जेन्युइन पर्सन है या मतलब कि ठीक है, या वो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? मतलब कि वो तो कमांड तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, तो मतलब कि आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते सर हो इन फिर? दैट केस फेस रिकॉग्निशन यूज करना पड़ेगा सर, और अगर हम लोग फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं यूज, बट अगर वो करते हैं देन फिर ऑटोमेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको वर्क करना पड़ रहा है, तो उस केस में सर फेस रिकॉग्निशन इज द ऑप्शन। ठीक है, और कुछ भी? सर सिक्योरिटी के या लिए देखो, अगर अभी बहुत बहुत सा चीज फेस रिकॉग्निशन है, उसके बाद आई आई का रेटिना का जो इमेज है उस पर भी बहुत सा वर्क हो रहा है। जैसे कि आप जितने भी जनरल पर्पस से घर आ रहे हैं, मतलब कि जो होम के मेंबर हैं उनका रेटिना है, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, वो इंटर कर रहे हैं। फिर अदर कोई पर्सन हो सकते हैं, तो उनके लिए वो आपका जो घर का जो ओनर है उससे सिग्नल मिलेगा कि ये पर्सन इज कमिंग, हम खोले कि ना खोले, दरवाजा ओपन होगा या ना होगा, वो कमांड ओनर के पास रहेगा। इस तरह करके भी कुछ डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर सेंसर का सर पर्पस? टेम्परेचर सेंसर बेसिकली कोई भी डिवाइस वैसा टेम्परेचर कूल टेम्परेचर ऑपरेटेड डिवाइस के लिए है, एसी हो गया, फैन हो गया, व्हाटएवर इट इज, उस केस में ऐसा टेम्परेचर सेंसर का। और इससे हम लोग सर लाइट भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि ऐसे एज कम्पेयर टू है कि नाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, तो उस केस में अगर हम कम टेम्परेचर पे लाइट को जला सकते हैं, और मॉर्निंग में जैसे ही उस पर लाइट आता है या फोटो रजिस्टर का यूज करके तो लाइट ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली वो एसी और फैन एक्सेट्रा के लिए किए हैं। और स्मोक सेंसर का यूज तो नहीं किए? ठीक नहीं सर स्मोक सेंसर का इसमें यूज अभी नहीं किए हैं। है, बेसिकली तुम तीन सेंसर का ही यूज किए हो, एक यस सर। टेम्परेचर का किए हो, अल्ट्रासोनिक का किए हो, और ये एक और कौन सा है, ये सर ये PIR सेंसर, PIR सेंसर, इसका पर्पस क्या है? एक मिनट सर, तुम किया होगा अब से, तो तुमको तो उससे पहले सोचा होगा ना बाबू। नहीं, मैं किया हूँ सर एक्चुअली, आपने जब टास्क दिया है ना तो उसी समय मैंने किया था ये, तो मेरे को हाँ हाँ ठीक एग्जैक्टली है, मैं उस समय इसमें यार सेंसर। मॉडिफिकेशन भी कर रहा था, ठीक है, ये जो चार LEDs लगा रखे हैं ना तो उस समय मॉडिफिकेशन भी कर रहा था, मेरे को अभी अचानक से ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा, तुमने ट्रैफिक कंट्रोलर भी किया होगा, हाँ तो सर, ट्रैफिक कंट्रोलर में, ट्रैफिक कंट्रोलर में दो तो आज ट्रैफिक कंट्रोलर पे आओ, बहुत बच्चे बच्चे। ओके okay. ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट किया था सर। हाँ, इसको रन कर दे थोड़ा।
ये कौन सा है, ट्रैफिक कंट्रोलर अभिषेक? नहीं एक मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है सर बेसिकली, हाँ, तो ये ऑटोमेटिक है, ये बल्ब वगैरह मैंने लगा रखा है इस पे, तो ये लाइट के रजिस्टर पे ये ऑटोमेटिक है, बल्ब उससे जलेगा। और ये मैंने बेसिकली वो पावर के लिए लगाया था, पावर सप्लाई है। तो ये फोटो रजिस्टर पे है, सो अगर हम इसको लाइट को ब्राइट करते हैं देन लाइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और अगर लाइट को कम करते हैं तो ये मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा। और ये ट्रांजिस्टर का पर्पस क्या है यहाँ पे? सॉरी सर, ट्रांजिस्टर का जो यूज किए हो हाँ किस पर्पस के लिए यूज किए हो? तो ट्रांजिस्टर के बिना ये कैसे होगा? हाँ तो मतलब कि हम जान रहे हैं कि कैसे होगा, लेकिन क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है स्विचिंग सर करंट का, पर्पस है कि क्या पर्पस है? बेसिकली स्विचिंग करंट फ्लो का ही है सर, हाँ क्यों ये हाँ तो फोटो बोलना रजिस्टर। पड़ेगा ना यहाँ पे, ये स्विचिंग है जो स्विचिंग के रूप में वर्क करेगा। यस सर, यस सर, तुम जैसे कि तुम्हारे अंदर तुम जान रहे हो, ऐसा नहीं है कि सामने वाले को सब चीज एक्सप्रेस करना होगा कि ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्विचिंग के लिए हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, डायोड भी यूज कर सकते हैं, बहुत लोग डायोड यूज कर सकते हैं कट ऑफ ऑन के लिए, कि तुम यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किए, हाँ तो अपना पहले मैंने बोलना एलईडी यूज पड़ेगा। किया था सर, पहले एलईडी यूज किया था, फिर उसको चेंज करके बल्ब लगाया था हाई पावर के लिए। अगर एलईडी यूज करते तो फिर वो तो मेरा आर्डिनो से ही काम हो जाता पावर सप्लाई का, बट बल्ब का नहीं हो पा रहा था इसलिए अलग से लगाना पड़ा। ठीक है, तुम ट्रैफिक पे आ जाओ, ट्रैफिक ओके में देखना चाहता हूँ तुम्हारा। मेरा ट्रैफिक गया था। नहीं किए हो तुम, ठीक सर है, हम वो किए बेसिक हैं है, वो वैसे, कर सकते। मैं किया हूँ सर, मैं किया हूँ, मे भी आईडी का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक ठीक है, क्योंकि ये भी हम ये पुराना आईडी से हम लॉगिन किए हैं। उसी पे एडिट करोगे ना तो फिर वो नहीं हाँ रहेगा, हाँ न्यू करोगे तो फिर वो रहेगा। ठीक हाँ हाँ मैं किया था, लेकिन सर कुछ कुछ ट्राई भी किए थे सर और भी, तो इसलिए वो भी ट्रैफिक हमको गैप नहीं। कितना कितना सेकंड का रखे थे? किसमें सर? ट्रैफिक में हम हाँ 30 सेकंड का रखे थे सर, तीन लेकिन ना नंबर गैप उसमें हम रखे एक, थे। हाँ लेकिन उसमें ना हम एक चीज और सोच रहे थे कि अगर हम जैसे कि डेंसिटी सेंस कर पाए, कि अगर जैसे अगर मेरा डेंसिटी हाई होता है कि अगर किसी एक जोन में, तो उस केस में हम उस टाइम को कम कर सके, क्योंकि अगर हम 60 सेकंड थ्रू आउट रख देते हैं सर, तो वो तो मेरा ये नहीं है ना, फिजिबल नहीं है हमेशा, क्योंकि हाँ जैसे कि सुबह मॉर्निंग तुम ऑफिस टाइमिंग में पीक आवर्स होते हैं, तो अगर जिस तरफ की डेंसिटी ज्यादा है उधर का मैं वो टाइम डिले टाइम कम रखूं, इस तरीके का हम सोचे थे सर, वो पूरा इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया है अभी, मैं आपको दिखाऊंगा वो अच्छा, करके। तो अभी नहीं हुआ है। तो नहीं, डेंसिटी के लिए क्या मेजर कर रहे हो, वो डेंसिटी के लिए कौन सा सेंसर का यूज कर रहे हो? वही सब चीज सर मेरे को देखना है, मैंने ये सोचा था, मैं किया नहीं हूं मैं। डेंसिटी के लिए देखो, तुम दो चीज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तुम्हारा जो है, एक तो कैमरा है कि पर्टिकुलर कैमरा कैप्चर करेगा कि गाड़ी अगर स्टैटिक में है लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो वहां से भी तुम मेजर कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हारा एक आयर से मतलब इंफ्रारेड सेंसर जो है कि उस इंफ्रारेड सेंसर को कट करके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद व्हीकल जाएगा तो कट होगा, ठीक है, वो ट्रिगर हो रहा है कंटिन्यू कुछ ड्यूरेशन तक में, तो मतलब कि ट्रैफिक नहीं है, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस पर, ठीक है। हाँ लेकिन अगर सर लॉन्ग मैंने ऐसा पढ़ा था डिस्टेंस कि तक, एक तो अलग वो से अगर हमारे उसका पास काम डेंसिटी सेंसर अप हो भी गया है, पर्टिकुलर अलग से हमारे, डेंसिटी से करना जो तुम सोच रहे हो ना, उस तरह से डेंसिटी मेजर करने की बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम वेट के अनुसार अगर मेजर करना चाह रहे हो ना तो वो टफ होगा थोड़ा सा, तो देख सकते हो जो भी है मतलब कि उस तरह का सोच सकते हो तुम। ठीक है अभिषेक, ओके थोड़ा सा सर तुम आप, ट्रैफिक वाला कर लेना फिर हाँ हाँ इसको। डेफिनेटली, तो आप मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि जब मेरा लाइट ग्रीन है तो उस समय हम आईआर सेंसर हाँ लगा के देखें कि वो कितना बार कट रहा है, अगर वो मतलब सेकंड या 5 सेकंड के तुम्हारा बीच, आयर सेंसर कंटिन्यू वर्क करते रहेगा, हाँ मतलब अगर कि वर्क कर पर्टिकुलर रहा है तो डिस्टेंस। देन वो ग्रीन रहे, अगर नहीं कर रहा है तो फिर उधर का हम जोन रेड कर दें।
हाँ, मतलब कि उस तरह करके हम लोग कर सकते, वो आयर सेंसर फोर चारों डायरेक्शन में रहेगा, और जिस चार डायरेक्शन में रहेगा एक लॉन्ग डिस्टेंस पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स रहेगा शरीर में, ठीक है। यस और सर, जो फिक्स रहेगा तो मान लो कि दो तरफ का बहुत वहां तक स्टॉप हो गया है, तो हम दो तरफ उस तरफ का ओपन कर देंगे एक ड्यूरेशन के बाद, और वो दोनों को क्लोज करेंगे जिस पर नहीं आ रहा है, ठीक है, सिग्नल। तो इस तरह करके भी हम लोग सोच सकते हैं। ओके सर, आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। ये मेरा एक आइडिया है, मे बी तुम्हारा तुम्हारे पास इससे बेटर आइडिया होगा, कि तुम उसको ओके इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना। ओके नेक्स्ट रोल नंबर टू, सब ओपन हो सकता, सब अपने से इन हो सकता है ना। ठीक, हाँ सर, हाँ सर, रोल नंबर टू नहीं, प्रेजेंट नहीं है। रोल नंबर थ्री नहीं है। सर रोल नंबर फोर नहीं है। मैं आई ली, हाँ जी, से हम आपको होस्ट बना आवाज दे रहे कट रहा हैं है। सर। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं लीव कर सकता हूँ? हेलो, नंबर फाइव। यस सर, हाँ, अंकित होश बना रहे हैं, तुम फिर अति कर रहे हैं। सर मेरे में ये जो मैप नहीं है सर लैपटॉप में, तो सर कैमरा कर सकते हैं? कैमरा से हाँ कर सकते हो, और तुमने किया है ना वर्क? यस सर। हाँ, शो करो। सर मैं लीव कर सकता हूँ क्या? हाँ, लिख कर सकते हो। मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ सर, बाकी सब लोग हाँ, स्क्रीन बना शेयर बन कर गया हूँ सकते हैं। मैं। हाँ नहीं, बना बना दो। हाँ, बना के क्लिक कर मैं लो। आपको बना दे रहा हूँ, आप बाकी लोग फिर भी हाँ कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके। हमें लगता है 5, 7, 10 ही हम चेक कर पाएंगे आज। 21, 29, 32 को हम लोग लगता नहीं चेक कर पाएंगे आज, ठीक है। तो अगर रहना चाहते हो तो, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज अगर कुछ वर्क है तो लिख भी कर सकते हो। अंकित शो करो बाबू। तुम्हारा फेस दिख रहा है कि तुम स्क्रीन शेयर कर लेते ना जी, लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर लेते तो हो जाता ना। सर जानकी नहीं है सर, सर लैपटॉप में इंस्टॉल लिंक नहीं करके करते अगले दिन या भाई? तो फिर कुछ। नो सर, अभी तो कनेक्ट नहीं है सर। बात है कि कर सर सकते अगले हैं, बार कर सकते हैं। ठीक तो तुम अभी लीव हो जाओ। है सर। दीपक, दीपक, दीपक है? दीपक, कोमल यस सर, शो कर सकती हो ना? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, शो करो बाबू। सो कौन सा एक्सपेरिमेंट सर? हो रहा है, ट्रैफिक लाइट्स हो गए सर। नहीं, और कहा हम सब देखना चाहते हैं, तुम लोग फ्री हो कि तो नहीं, सब नीचे आओ। ये शुरू से है सर पूरा, और सब होम मोटिवेशन नहीं किए हो? ऐसे किया है सर। कहाँ है होम मोटिवेशन? होम मोटिवेशन फर्स्ट ये सर स्कॉपिंग करें। वाला तुमने यस सर, फर्स्ट वाला ही है। भी, चलो और नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इसमें और कैसा है। यस ठीक
ठीक है ऊपर होम ऑटोमेशन ओपन करो। इसमें कौन कौन सा सेंसर लगा हुआ था पहले? पीआर सेंसर का वर्क क्या है यहाँ पे? तो मोशन, जैसे मोशन होगा तो लाइट ऑन होगा बल्ब, और मोशन नहीं होगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा मोशन के अनुसार। तो ठीक है, मतलब कि घर में पर्सन से आएगा जाएगा तो लाइट ऑन ऑफ, लाइट ऑफ, यस सर। और एक माइक यूज की हो, माइक का पर्पस क्या है? माइक नहीं यूज किया सर, गैस सेंसर है, अल्ट्रासोनिक है, यस सर, और बजर है सर। गैस मतलब स्मोक सेंस होगा तो बजर बजेगा और रेड एलईडी जलेगा, और अल्ट्रासोनिक है कि डोर के करीब आएगा तो ग्रीन एलईडी जलेगा और बजर भी ऑन होगा सर। और पीआर सेंसर है तो सिमुलेट करके दिखाओ इसको। यस वर्क कर नहीं रहा है गैस, ये डाल दी सर का बस ऑन ठीक है। पीआर सेंसर से मोशन हो रहा है तो बल्ब जलेगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक में पता नहीं क्या हो रहा है, तो चेक कर लेना। यस चेक कर लेंगे सर, इसमें कनेक्ट किए थे सर ग्रीन एलईडी और बजर जलना चाहिए। ट्रैफिक पे आ जाओ। यस ठीक है, ट्रैफिक पे आ जाओ। यस सर, सर वही 15-15 सेकेंड पे सर रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी जलेगा सर। सिमुलेशन में तो डायरेक्ट एलईडी यूज कर ली ठीक है, लेकिन फिर तुमको अगर प्रैक्टिकल में यूज करना होगा ना तो रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, तुम्हारा बंद हो जाएगा एलईडी। ठीक है, उस समय जब कर रहे थे ना जब क्लास में हुआ था तो सर हाँ नहीं वो इंडिकेट भी कर रहा, एलईडी बंद हो जाएगा, ध्यान देना। चलो ठीक है कोमल, नेक्स्ट दीपक अभी भी नहीं है, रीता yes, सो करो। सर वो लैपटॉप में जूम डाउनलोड नहीं है तो आपको अगले क्लास में दिखा सकते हैं। ठीक है चलो ठीक है। सुमंत, सुमंत क्लास में है या नहीं है? यस सर है सर, है सर है, तो शो करो एक मिनट सर कर रहे हैं। सर लैपटॉप नहीं ना सर, दूसरा का लैपटॉप यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा इंस्टॉल कर रहे थे। दिक्कत नहीं है हाँ, लेकिन अभी तुम्हारा तो काम हो जाएगा ना। हाँ सर, हाँ तुम्हारा तो ईमेल आईडी पर सेव होगा ना वो चीज़, जो भी परफॉर्म किए होगा तो
यस सर, बस शो कर रहे सर। सर एक चीज पूछना सर, सर कॉलेज नहीं खुलेगा सर? कॉलेज का देखो दीवाई डिसाइड को हो रहा है, लैब वेब करते सर, थोड़ा लैब करते सर। हाँ तुम लोग का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है सब चीज, कुछ दिन में फिर फाइनल डिसीजन ले लेगा। मतलब यहाँ पर सब काम हो रहा है, ओपन करने का जो फॉर्मेलिटी है सब कर रहे हैं लोग, खुलना तो पड़ेगा, खुलना तो है कॉलेज। होम ऑटोमेशन किए हो ना? होम ऑटोमेशन में बहुत कम सेंसर यूज किए हो जी तुम? हाँ सर, जितना समझ में उतना ही किए हैं सर। दिखाओ होम ऑटोमेशन, नहीं दिखाओ करो। तुम घर पे है कि यहीं है वो अभी? सर यहीं पे है सर। सर ये 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जाएगा तो वो डोर ऑफ बंद रहेगा, और अगर 100 मीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से कम होगा तो डोर ओपन होगा, जो कि ये ये सेंसर माइक्रोवेव सर्वो मोटर सर वो ओपन होगा उसमें, कम होगा तो 100 सेंटीमीटर से। और इसको सर, और इसको बेटर बनाने के लिए यहाँ पे PIR सेंसर मूवमेंट को सेंस करेगा, अगर कुछ होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी दरवाजा ओपन हो सकता है सर। यहाँ पे सर लाइट जलेगा, घर में अंदर में रहेगा ये लाइट, तो पता चल जाएगा कोई है बाहर पे। और फिर इसमें एक टेम्परेचर LM35, इसमें सर वही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंडिकेटर लगा हुआ है LED जो कि जलेगा। इसका पर्पस क्या है, मतलब टेम्परेचर से मेजर करके तुम्हारा पर्पस क्या है? LED तो चलो एक कुछ इंडिकेटर के रूप में किए हो, तो इसका पर्पस क्या है टेम्परेचर राजा? सर पर्पस यही है कि मतलब पता चल जाएगा कि सर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया रूम में, तो एसी ऑन कर सकते हैं। गर्मी बढ़ गया तो क्या होगा, एसी ऑन करोगे, फैन ऑन करोगे, या मतलब कि कोई कूलर, क्या मतलब क्या करोगे तुम? सर फैन ऑन करने का यहां पे ना पर्पस की, हाँ हाँ सर की मतलब यहाँ पे कर किए थे सर, वो एसी में तो ऑटोमेटिक लगा हुआ रहता है जी, एसी में तो जैसे कि ऑटोमेटिक लगा हुआ रहता है कि ये टेम्परेचर हाई होगा तो फिर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, चाहे ऑन ऑफ हो जाएगा। तो टेम्परेचर का मेन पर्पस फैन के लिए भी कर सकते हो तुम, जहाँ पर फैन नहीं है फैन के लिए कर सकते सर। यहाँ पे और जो टेम्परेचर सेंसर अगर फायर के लिए कर रहे हो ना तो बेवकूफी है, क्योंकि फायर के लिए बेटर जो होता है, बेटर होता है स्मोक सेंसर ही होता है, क्योंकि जो फायर होगा तो फायर के कारण जब टेम्परेचर राइज अप करेगा तो वो गैस तो होगा ही होगा, तो गैस होगा तो स्मोक होगा। मे बी जब स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन में गैस ज्यादा स्पीड करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर राइज, मतलब कि टेम्परेचर उतना थ्रेशोल्ड पहुंचने में टाइम लग सकता है अगर तुम मतलब कि फायर के लिए कर रहे हो तो, लेकिन गैस तुरंत स्पीड करेगा और स्मोक करके वर्क हो सकता है, मतलब इनिशियल कंडीशन में हम लोग कैप्चर कर सकते हैं अगर हम लोग स्मोक सेंसर यूज करते हैं तो। लेकिन मैंने बहुत से बच्चे लोग सोचते हैं कि हम गैस सेंसर टेम्परेचर सेंसर यूज कर लें फायर के लिए, तो वो रॉन्ग डिसीजन है। फायर के लिए कर रहे हो तो चलो ठीक है, वो स्मोक वाला किए थे बट उसमें नहीं हो रहा था सर कुछ, मतलब कोड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था सर, उसमें समझ में नहीं आया था सर, आपसे पूछे भी नहीं। कोडिंग नहीं हुआ था फाइनल तुम्हारा कोडिंग? PWM वाला यूज किए थे? PWM पिन वाला जो एक्सपेरिमेंट करवाए थे एनालॉग पिन का यूज करने के लिए बताए थे, वो लाइट इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन ये सब, तो वो वाला किए थे? और सर किए तो नहीं बट, लेकिन सर मतलब बताया तो सर सुने थे वो।
चलो ठीक है ठीक है सुमन। और yes. कोई? और सर वो आप क्या अभी बोल रहे थे सर, ट्रैफिक वाला सर वो बोल रहे थे ना अभी, ट्रैफिक वाला देखो सर, वो प्रोटियस में हम सर बनाए हैं सर, वो आप चारों तरफ बोल रहे हैं ना कि डेंसिटी ज्यादा वो होगा सर, वो मेरा मिनी प्रोजेक्ट भी है सर, वो कंप्लीटेड है, तो सर प्रोटियस में थोड़ा दिखा दे क्या सर? हाँ दिखा दो। ओके तुम काम किए हो ना, बस इसको करो ना, एक्सप्लेन करो। क्या हुआ, मिनिमाइज भी नहीं हो रहा, कहाँ गए सुमन? हेलो। हाँ सर कहाँ गए? हाँ सर यही है सर, मतलब शो कर रहे हैं सर, यही वाला स्क्रीन में वही है तुम्हारा होम परमिशन है सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या? स्क्रीन शेयर है, होम परमिशन नहीं है सिर्फ, वो प्रोजेक्ट वाला नहीं आया, उसको हटाया गया था ना आप सर? अभी भी नहीं, होम ऑटोमेशन है बाबू। सर अब आया होगा। हाँ अब आ रहा, हो रहा सर, ये वाला बना। डेंसिटी के लिए तुम क्या मेजर कर रहे हैं, कौन सा सेंसर यूज किए हो सर? आईआर सेंसर मतलब यहां पे सर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था सर, इसलिए बस अल्ट्रासोनिक यूज किया, नहीं तो आईआर सेंसर यूज कर सकते थे। हां तो फॉरवर्ड चार डायरेक्शन में भी दोनों इसको यूज किए हो सर? चार डायरेक्शन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था सर्किट, उसको सर ड्रॉ किए थे, लेकिन मतलब आपसे अब पूछना है सर, फिजिकल जब क्लास होगा तब सिमुलेट करके दिखा दो सर। एक सेकंड थोड़ा टाइम, थोड़ा बस एक मिनट। हाँ ठीक है, कोई नहीं टाइम लो ना, कोई दिक्कत नहीं। सर शेयर हुआ है ना? हाँ सर, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे भी, हाँ सर अभी देखिए सर, इस जो फर्स्ट वाले अल्ट्रासोनिक है ना सर, फर्स्ट मेरा जो कर्सर है तो सर यहाँ पे पोटेंशियोमीटर सेंसर वन पे देखिए सर, मैक्सिमम है मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राउडेड है, इसलिए यहाँ पे रेड एलईडी जला हुआ है यहाँ पे इस इधर वाले पे। हाँ हाँ। और इधर पे मतलब मीडियम है, मतलब थोड़ा लो है मीडियम से भी, तो सर यहाँ पे ग्रीन है तो ये पास कर रहा है मतलब वो पब्लिक को। तो उल्टा कंसेप्ट कर दिया ना जी, अगर क्राउडेड है तो तुमको ग्रीन करना होगा ना, उस तरह का सिग्नल उस तरह का ट्रैफिक को ऑन करना होगा ना, ओपन करना होगा। जब ज्यादा ट्रैफिक होगा, हैवी ट्रैफिक होगा, ओपन करोगे तब तो खाली होगा।
अच्छा सर, ये मतलब सर लग रहा है कि उल्टा हो गया सर, ये वाला इधर होगा तो सर। हाँ कंसेप्ट तुम्हारा उल्टा हुआ है थोड़ा सा, देखो इसको। सर कंसेप्ट उल्टा नहीं सर, या तो अल्ट्रासोनिक इधर उधर हुआ होगा और कुछ नहीं सर। हाँ मतलब कि यार तुम सिग्नल से भी जो लाइट का जो सिग्नल दिए होगे ना जी, वो उल्टा पड़ गया होगा। हाँ सर वही ठीक है, सेंसर वन से वो जो ग्रीन करेगा पर तुमको रेड करना होगा बस, सर कुछ नहीं सर वो कर देंगे। बाकी तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा है, मतलब कि नो डाउट कंसेप्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में थोड़ा उल्टा सर देख लेंगे उसको कर लोगे, फिजिकली इंप्लीमेंट कर लोगे। हाँ सर हो जाएगा सर, बस इक्विपमेंट चाहिए, मतलब अभी तो है नहीं ना तो कर ही लेते हैं। सुमन और कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया सर? किए हैं बट मेरे पास अपना लैपटॉप में सर, इसमें जो जो कर पाए हैं मतलब कुछ दिनों वही बस। ठीक है तो तुम यहीं पर होने दी, तो टाइम लेके तुम यहाँ पर लैपटॉप आके देख के डिस्कशन ला के यहाँ डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ सर बस पूछना था सर, इसीलिए भी पूछे नहीं कभी। हाँ तो कभी भी आके ना डिस्कशन कर सकते हो। जैसे अभी एक तुम्हारा प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ ना कि थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो चेक करवाने से रिव्यू करवाने से तुम्हारा ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नहीं बेनिफिट होगा, एक रिव्यू हो जाएगा तुम्हारा। सर फोर वेज वाला सर पूछ लेंगे आपसे सर। थोड़ा सा कोशिश करो ना, इसी को दो है जोड़ा है, दो और जोड़ सकते हो। ठीक है सर ट्राई करते, ट्राई करना एक बार। यस नहीं तो फिर ट्राई करके ना लेके आना कि काम कर देखें कहाँ फंस रहा है। ठीक है ठीक है सर, स्टॉप कर रहे हैं। हाँ हाँ दीपक, दीपक को कितना बार कॉल कर दिया फिर भी नजर नहीं आ रहा है। दीपक सर हम शेयर कर वैशाली, अभी टाइम नहीं बाबू, दो मिनट बचा हुआ, तुम नेक्स्ट क्लास में तुमको फर्स्ट चांस देंगे वैशाली। यस सर फर्स्ट में क्योंकि मेरा नंबर लास्ट है। क्या चीज सर? नेक्स्ट क्लास में हमको फर्स्ट ही में कीजिए क्योंकि मेरा रोल नंबर लास्ट ही है। हमें अच्छा इंतजार किए मेरे ना, फिर कट हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत होगा, तुम नेक्स्ट टाइम में तुमको अच्छे से तुम्हारा रिव्यू कर देंगे। ओके सर ठीक ठीक है ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है अब जो कर लिए हो उसको फिर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सीख सकते हो दूसरे का वर्क से तो कर सकते हैं। ठीक है अभी एक सीख पूरा मतलब कि इवोल्यूएट नहीं करेंगे पूरा मतलब कि सबका वर्क। ठीक है एक चीज पूछना सर, टिंकर कैट में अभी कुछ भी जो कर रहे ना वो सेव नहीं हो पा रहा है सर। क्या चीज? टिंकर कैट पे जो भी अभी कुछ कर रहा है ना सर, तो वो चीज सेव नहीं हो पा रहा है सर, बैक करते तो पूरा बैक हो ही जाता है सर। ऐसा क्या हो रहा है टिंकर कैट में सर? जैसा बैक करने पर क्या हो जा रहा है? सेव नहीं हो रहा है सर कोई भी प्रोग्राम जैसे अभी किए हैं, जैसे कोई भी चीज नहीं, जो रहेगा वो सेव रहेगा भी, तुम बैक करो मतलब कि जो जो रहेगा ना वो जो वर्क किए हो और वो सेव ही रहेगा, वो कहीं ना कहीं से वहाँ सेव नेम से पर्टिकुलर नेम चेंज हो जाता है, अगर तुम अगर कोई नेम नहीं दिए होना तो नेम चेंज हो जाता है लेकिन सेव ही रहेगा, कोई हटा नहीं सकता है। सर दो तीन जन का हम भी देख रहे हैं सर बट नहीं हो पा रहा था सर, इसलिए हम भी। ठीक है तुम्हारा नेक्स्ट क्लास हम चेक कर देंगे कोमल। ठीक है सर ठीक है ओके बाय।